मैं बनारस अभी पहुंचा हूं, मेरी फ्लाइट बहुत लेट हो गई थी। अभी पवन सिंह के टीम में सब मौका ही हो, मरद कोई नहीं हो, कोई के अंदर जिगरा नहीं है, मतलब तुम लोग मौकई टीम बना दिए ना पवन सिंह के। जैसे तुम लोगों का आका पवन सिंह फेंकने में माहिर है, वैसे तुम लोग भी फेंकने में माहिर हो गए हो। जैसे तुम लोगों का आका पवन सिंह स्टेज पे चढ़ के दारू के नशे में फेंकता है, फेंकू स्टार बन गया है, वैसे तुम लोग भी फेंकने में माहिर हो गए हो। दरअसल ये बात तो वहां से शुरू होता है, ये मामला तो वहां से गंभीर हो जाता है जब पवन सिंह के टीम का एक व्यक्ति है विशाल सिंह, वो खेसारी टीम को चुनौती देता और कहता है कि तुम बनारस में आओ, तुमको हम ये करेंगे वो करेंगे। बाद में खेसारी टीम जब ये वीडियो देखता है तो बिना पूछे हुए लोकेशन देख के आ जाता है बनारस में। वाराणसी के जीएसबी मॉल में हम लोग हैं, बनारस मतलब एयरपोर्ट पे 5 से 6 घंटा इंतजार करता है और वो विशाल सिंह नहीं पहुंच पाता है, जो पवन सिंह का फेकू है, जो पवन सिंह का टीम का आदमी है, विशाल सिंह नहीं पहुंच पाता है 5-6 घंटा तक। बाद में मतलब खेसारी टीम इंतजार करते करते लाइव भी आती है और कहती है कि देखिए अभी हम एयरपोर्ट में है बनारस में और यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। फिर 5-6 घंटा के बाद बिल्ली की तरह कुत्ता की तरह छुप के विशाल सिंह लाइव आता और कहता है कि एयरपोर्ट में लेट हो गया था 5-6 घंटा। मैं बनारस अभी पहुंचा हूं, मेरी फ्लाइट बहुत लेट हो गई थी। ये भैया बताइए ना, 5-6 घंटा एयरपोर्ट लेट होता है जी, इतना मूर्ख बनाएगा, हम लोग इतना अनपढ़ हैं, 5-6 मिनट बहुत हो जाता है, ट्रेन एयरपोर्ट ये सब लेट होता है, बताइए तो इतना 5-6 घंटा बताइए, ये कितना मतलब क्या कहें, इतना भारी बेइज्जती पवन सिंह को नहीं कराना चाहिए था। ये पवन सिंह को ये लोग मऊगई वाला टीम बता दिया है और जानते हैं बाद में क्या कहता है वही विशाल सिंह, जो खेसारी टीम को चुनौती दिया था कि हम लोगों के पास इतना समय है तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए, मैं तेरे लिए उतनी दूर से फ्लाइट टिकट बुक करके आऊंगा मिलने के लिए, आते से लड़ाई करने के लिए, इतना टाइम आज की डेट में किसी के पास नहीं है। तेरे भैया कहला कहे थे कि आइए बनारस में, इतना भारी बेइज्जती नहीं कराना चाहिए था पवन सिंह को। अरे खेसारी लाल यादव वो नाम है, खेसारी टीम वो नाम है, जो कहता है सो करता है, लेकिन पवन सिंह की तरह फेंकना नहीं जानता है। ये पवन सिंह तो फेंकू स्टार है ही है, लेकिन पवन सिंह का टीम भी फेंकुए टीम हो गया है, मऊगई वाला टीम तू लोग बना दिए, अब कोई कहना लायक नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचार को कमेंट में रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को स्वास्थ्य यादव शुक्रिया अदा करता है, बाकी सब नमस्कार आदाब सलाम प्रणाम, और अब अगला वीडियो का प्रतीक्षा करिएगा, बाकी आप सब कमेंट में जरूर लिखिए। बनारस का है ना बे, मेरा भी घर है, कहाँ रहता है बनारस, पांडेपुर रहता होगा उसके आगे तो जी हाँ, इसे कहा जाता है पावर ऑफ खेसारी टीम। खेसारी टीम में इतना पावर है कि जो वचन कर देता है उस वचन से पीछे नहीं हटता है, और पवन सिंह का टीम एक बार फिर से साबित किया है कि हाँ पवन सिंह का टीम डरपोकों का टीम है, यानी पवन सिंह के टीम के तरफ से लोग आने के लिए कह रहे थे खेसारी टीम के साथ कुछ बात करने के लिए, स्वागत पता न क्या होता, लेकिन वो पीछे हो गए हैं पवन सिंह का टीम। बाकी इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए, इसे कहा जाता है पावर और खेसारी।